नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम दशाफल पढ़ रहे हैं और दशाफल के ही हमारे पाठ चल रहे हैं कि डिफरेंट ग्रहों की दशा कैसी जाती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि ग्रह डिफरेंट ग्रहों की महादशा कैसी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि उन महादशा के अंतर्गत अन्य ग्रहों की अंतर्दशा कैसी जाती है। जैसे सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा, सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, ये सब कैसे जाती हैं, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतर्दशा का फल फल जो देने वाला होता है कुंडली में, वो अंतर्दशा नाथ ही होता है। तो अंतर्दशा का फल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वो दिखा देता हूँ प्रेजेंटेशन। आपको मालूम है कि हम लोग विंशोत्तरी दशा पद्धति के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी पद्धति है, जिसके बारे में ऋषि पाराशर ने कहा है कि इससे अच्छी पद्धति कोई नहीं है कलयुग के लिए। तो हम इसी पद्धति की बात कर रहे हैं और इससे रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक मिलते हैं सारे रिजल्ट। तो इसी पद्धति के अनुसार मैंने आपको पीछे महादशा के फल पढ़ाए थे सारे, लेकिन अब दशा के अंदर अंत दशा के फल आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो क्या फल होता है, ये एक देखने वाली बात होती है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फल देने वाला जो होता है मीन, वो अंतर्दशा नाथ ही होता है। महादशा नाथ तो इंसान की प्रकृति को चेंज करता है। तो महादशा नाथ सपोर्ट करता है अंतर्दशा को कि भाई फल अच्छे दो या थोड़ा फल में कमी लाओ, लेकिन फल देने वाला बेसिकली अंतर्दशा नाथ ही होता है। तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कैसी जाएगी, इसके बारे में वो लिखते हैं, ऋषि पाराशर ने ही लिखा हुआ है सब चीजें, ब्रह्म योहोरा पाराशर शास्त्र उन्हीं का लिखा हुआ है सारा। स्वच्छे स्वभे स्थित सूर्यो लाभे केंद्र त्रिकोण के स्व दशायाम स्व भुक्तो चाहे धन धान्य आदि लाभ करता है। मतलब क्या है कि स्वच्छ राशि में, उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, सूर्य लाभ केंद्र और त्रिकोण भाव में हो, यानी जो अंतर्दशा नाथ है वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, तो उसकी दशा में धन दान की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। सिंपल सिद्धांत है कि सूर्य अंतर्दशा नाथ जो है, यदि वो तीन केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो धन धान्य आदि की लाभ होता है और लाभ बढ़ता है। अगर वो नीचा दिशु शुभ राशिस्तो विपरीतम फलम विशेष, नीचा दशु भराशिस्तो, ये कहते हैं कि अगर वो नीच राशि में बैठा हो और केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ना हो तो विपरीत फल होते। सूर्य के अगर नीच राशि में बैठा हो और केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ना हो तो उसके विपरीत फल होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। यदि सूर्य द्वितीयेश भी हो या सप्तमेश हो, देखिए हम जानते हैं कि द्वितीय और सप्तम जो भाव हैं ये मारक भाव भी कहलाते हैं। तो सूर्य यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो वह अपनी दशा में अपमृत्यु भी दे सकता है। ऐसे दोष के परिहार के लिए, ऐसे आरोग्य की प्राप्ति के लिए मृत्युंजय मंत्र का ही जाप करना चाहिए एवं अन्य धार्मिक कार्यों संपादन से सूर्य बिल्कुल आरोग्य दे देते हैं। तो ऐसी दशा में जब सूर्य के पास द्वितीय भाव का स्वामी हो या सूर्य सप्तम भाव का स्वामी हो तो अपनी अंतर दिशा में ये मृत्यु तक भी दे सकता है। उस केस में महामृत्युंजय जाप का मंत्र करना चाहिए, जाप करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, उनसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा ऋषि पाराशर ने श्लोक में कहने की कोशिश की है। दूसरा श्लोक है कि सूर्य की अंतर्दशा में चंद्रमा की, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कैसी जाती है। तो वो लिखते हैं, सूर्यास्त अंतर्गते चंद्रे लग्नात् केंद्रे त्रिकोण गे विवाहम शुभ कार्य चय धन धान्य सुबद्धि कृतम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सूर्य चंद्र यदि लग्न केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित हो, चंद्र जिसकी अंतर्दशा है वो लग्न केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित हो तो विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, धन धान्य समृद्धि बढ़ती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंतर्दशा नाथ अगर केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, और अच्छा है अगर स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विवाह आदि जैसे शुभ कार्य होते हैं, धन दान की समृद्धि होती है। यदि अंतर्दशा नाथ स्वामी, इसमें ये एक बात भी बोलता है कि अंतर्दशा स्वामी द्वितीयेश भी हो, यानी सेकंड भाव का स्वामी भी हो चंद्रमा, तथा एकादश भाव या किसी अन्य शुभ भाव में स्थित हो या लाभ भाव में स्थित हो, तो जातक को इस काल में अच्छे धन की प्राप्ति होती है। जातक को राजा द्वारा भी स्थिर संपत्ति प्राप्त होती है, राजा मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा स्थिर संपत्ति प्राप्त होती है,
या जिस कंपनी में भी सर्विस करते हैं उसके द्वारा भी संपत्ति प्राप्त होती है, ये उसके बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की अंत दशा जब अच्छी जाएगी, जब वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हो, स्वय राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो ये जैसा चीज आती है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए कि सूर्य मतलब महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का एक्सिस, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो एक्सिस 6-8 का नहीं होना चाहिए। 6-8 या 2-12 का एक्सिस ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर 6-8 या 2-12 का एक्सिस होता है तो उसके विपरीत कष्ट हो जाते हैं उसके अंदर, तो वो एक्सिस नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर ये मत है। तो आप कभी भी जब महादशानाथ और अंतर्दशानाथ को देखते हैं तो सर्वप्रथम उसका एक्सिस भी चेक कर लीजिए कि उसका एक्सिस क्या आ रहा है, 6-8 तो नहीं है, या एक दूसरे से 6-8 की दूरी पे तो नहीं है, या एक दूसरे से 2-12 की दूरी पे तो नहीं है, वो जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद आता है चंद्रमा के बारे में ही, क्षीणय व पाप संयुक्त दार पुत्र पीड़नम वैषम्य जन संवादम भृत्यु वर्ग विनाशनम विरोधम राज कलहम धन दान पशु क्षयम षष्टा अष्टमय वे चंद्रे जल भीतिम मनोरजम। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहता है क्षीण चंद्रमा हो, पाप ग्रह से संयुक्त हो, तो दार पुत्र पीड़िनम, यानी दार पुत्रादि, यानी कि पत्नी और पुत्रादि संतान आदि को पीड़ा होती है। अगर चंद्रमा क्षीण हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो पति पत्नी और बच्चों को संतान को पीड़ा होती है। वैषम्यम जन संवादम, यानी कि सामाजिक संघर्ष होता है। और पदच्युति, पदच्युति का मतलब होता है कि आदमी अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, उसको डिमोशन भी हो सकता है उसका, ये भी स्थिति इसकी हो सकती है, या जिस पद पर वो है उस पद से उसको हटाया जा सकता है। लोगों के साथ विवाद होता है, विरोध होता है, राजकलह होती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर उसमें ये भी कहते हैं कि षष्ठा अष्टमय वे चंद्रे भल जल भीतम मनोरजम। षष्ठा यानी छठे भाव में, अष्ट अठे भाव में, और व्यय भाव में, यानी 6-8 भाव में चंद्र हो तो जल भीतिम मनोरजम, यानी जल से डर होता है, जल से हानि होती है और इस तरह के रोग पैदा हो सकते हैं, ये ध्यान देने वाली इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है, जल का भय रहता है। तो ये देखना है कि चंद्रमा अगर 6-8 में है, या चंद्रमा क्षीण है, पाप संयुक्त है, तो इस तरह की पीड़ाएं होती हैं। और चंद्रमा अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, स्वय राशि में है, मित्र राशि में है, तो उस केस में धन दान की समृद्धि होती है, संतान से बहुत अच्छा संबंध बनता है, और वो चीज राजा की कृपा प्राप्त होती है। ये चंद्रमा की दशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। बस इतना जरूर ध्यान रखिए कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ का एक्सिस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये कहते हैं दाये शाद रिपून रस्ते व्यय व बल वर्जिते अकाले भोजनम च व देशाद देशे गमिष्यति द्वितीय दिन्नाथे च यृत्युष्यति श्वेतां गां महिषं दद्धा शांति कुर्यात् सुख पत्ये। यानी चंद्र यदि दशा स्वामी से त्रिक भावों में हो, जो मैं आपको बात बता रहा था कि महादशा स्वामी से 6-8 में नहीं होना चाहिए, यानी 6-8 का एक्सिस ना हो, तो वही ये चीज बोल रहे हैं ऋषि पाराशर ने यहाँ कहा है कि चंद्र यदि दशा स्वामी से त्रिक भाव में संस्थित हो, यानी अंतर्दशानाथ चंद्रमा अगर दशानाथ स्वामी से 6-8 भाव में स्थित हो, बलहीन हो, तो ऐसे में जातक को कुपोषण वे अल्प भोजन की प्राप्ति होती है, यानी जातक को गरीबी प्राप्त होती है, दरिद्रता प्राप्त होती है, धन की हानि होती है, और वो देश देशांतर में भ्रमण करता है, यानी उसकी अननेसेसरी विजिट होती है। उस जमाने में देश देशांतर भ्रमण का मतलब ये होता था कि एक तरीके से पनिशमेंट होता था, लेकिन ये समझिए कि उसकी विजिट्स अननेसेसरी होती है, जहां भी जाता है असफल विजिट होती है उसकी, और उसको दरिद्रता की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर चंद्र ये दशा स्वामी से त्रिक भाव में स्थित हो, और द्वितीय शरम सप्तमेश की दशा होने पर जातक को कम उम्र में मृत्यु भी देता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र के कुप्रभावों से मुक्ति हेतु सफेद गाय एवं भैंस का दान करना चाहिए, ये ऐसा बताया गया है। तो चंद्रमा यही याद रखिए आप कि चंद्रमा दशा स्वामी से 6-8 भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस दशा में जातक को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, और अल्प भोजन का सामना करना पड़ सकता है, अननेसेसरी विजिट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कोई भी कार्य सफल ना हो और ऐसी विजिट्स उनकी होती रहे, कम उम्र में मृत्यु का भय भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर ऐसा है तो ये उपाय बताया गया है कि सफेद गाय व भैंस का दान करना चाहिए, उससे ये सब चीजें ठीक हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको चंद्रमा का समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे सूर्य में मंगल का लेंगे, फिर सूर्य में राहु का लेंगे,
तब इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। और अगर कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक्स करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।